Good morning, children. Now, in diversity, yesterday we learned about the geographical diversity, geographical differences, and the religious and social differences. Today we will learn about economic diversity. Now, what is economic diversity? You see, India is a very big country. People follow different occupations people living in the rural areas, people living in the urban areas, people living in mountains, people living in plains, plateaus, deserts. Everyday people everywhere people follow a different occupation. Like in the northern belt, agriculture is the main occupation. In the northeastern belt, bamboo craft is very common, basket weaving. So all these things, the occupations of a place or the economic condition of a place depends on the geography of a place. Pe where the land is very fertile, their agriculture is common. Where land is not fertile, people take to other occupations. Where there are sea coasts, people take to fishing, where the, there are uh, mineral wealth people take to mining. So all these differences, these are diversities, these are differences. विच आर फाउंड ऑल ओवर आर कंट्री अब इकोनॉमिक डायवर्सिटी मतलब जो इकोनॉमी जो लोग अपने काम करते हैं अपने घर को चलाने के लिए अपने जीवन को चलाने के लिए उसके बारे में है हमारा देश बहुत बड़ा है कहीं पहाड़ है कहीं नदी है कहीं रेगिस्तान है तो हर जगह अलग अलग होता है जैसे पहाड़ों पर ज्यादा जाद, ज्यादा खेती नहीं होती है ऊन का काम होता है फलों का काम होता है ये सब बाग बगीचे का काम होता है देन अच्छी लकड़ियाँ मिलती हैं जैन प्लेन्स में जैसे पंजाब हुआ उत्तर प्रदेश हुआ वहाँ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है फिर राजस्थान में एग्रीकल्चर उतना नहीं है लेकिन वहाँ आ, पानी की कमी की वजह से दूसरे क्राफ्ट्स हैं वो आ, कंबल वम्बल बनाने का काम वहाँ करते हैं वहाँ और क्राफ्ट का काम बहुत करते हैं जैसे बांधनी का काम हुआ मोर्जरी या जूते बनाने का काम और फैंसी काम वहां बहुत होता है नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू का काम बहुत अच्छा होता है तो इस तरह से जो कंट्री की इकोनॉमी होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है और बेसिकली गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है या लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो टू रिमूव द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इस खाई को जितनी जल्दी से कम किया जाए कि सबको बराबरी का हक मिले सबको बराबर का दर्जा मिले देन वी कम टू फूड डाइवर्सिटी सी वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सम ईट राइस दाल चपातीज देन सम ईट फिश सम लाइक स्वीट सम लाइक स्पाइसी फूड सो इट ऑल्सो डिपेक्स आर कल्चर एंड क्वजीन देन अगेन ज्योग्रफी अगेन यर इज वेरी इम्पोर्टेंट देखो ज्योग्रफी हर जगह इम्पोर्टेंट है ज्योग्रफी जैसे जो, जो लोग समुद्र के नदी के किनारे रहते हैं जैसे कोस्टल रीजन में रहते हैं ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट सो दे फिश इज अ स्टेपल डाइट फिश मिलती है फिश खाते हैं फिश एंड राइस इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया चपातीज इज वेरी कॉमन इन साइड साउथ इंडियन फूड इज डिफरेंट साउथ इंडियन फूड इज वेरी कॉमन दो एवरीबडी सो बट टूडे एवरीबडी लाइक्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द हिमालय रीजन पीपल ईट नॉन वेज फूड थोड़ा मटन चिकन ये सब ज्यादा खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए राजस्थान वगैरह में वो स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं सो फूड ऑल्सो डिपेक्स आ कल्चर खाना भी जो है हमारा हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसे जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो मछली खाते हैं चावल खाते हैं नॉर्थ इंडिया में लोग सब्जी रोटी दाल चावल ये सब खाते हैं साउथ इंडिया में इडली डोसा पायसम सांबर रसम ये सब खाते हैं फिर राजस्थान में कुछ तीखा खाना पसंद करते हैं फिर कुछ कुछ मिठाइयाँ हैं जो एकदम टिपिकल ऐसे यूपी में के लड्डू बहुत फेमस हैं साउथ का पायसम बहुत पसंद है खीर टाइप ही होता है वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला रसगुल्ला बहुत पसंद है और इसीलिए जो जहाँ रहता है वहाँ के कंडी अब आजकल इतनी गर्मी है तो हम लोग हल्का खाना पसंद करते हैं इसीलिए मौसम और उसके हिसाब से ही लोग खाना खाते हैं देन वी कम टू आफ्टर फूड वी कम टू डांस एंड म्यूजिक सी डांस एंड म्यूजिक इज एन इंटेग्रल पार्ट इज इंट एड ऑफ आर सोसाइटी इन पंजाब वी हैव भांगड़ा वी हैव गरबा इन गुजरात लावनी इन महाराष्ट्र दीज आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ इंडिया देन अगेन म्यूजिक इन इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक इज नॉर्थ इंडियन म्यूजिक एंड कर्नाटक म्यूजिक इज साउथ इंडियन म्यूजिक सो पीपल लर्न बोथ दीज टाइप्स ऑफ म्यूजिक देव दॉर्थ इंडियन म्यूजिक साउथ इंडियन म्यूजिक दोनों तरह की म्यूजिक लोग सीखते हैं और उसमें पारंगत हासिल करते हैं फिर डांस हैं हमारे जैसे भरतनाट्यम हुआ कथकली हुआ कथक हुआ अट्टम, उड़ीसी यह एक एक रीजन के ये एक-एक डांसेस हैं और इन हर डांसेस को एक बखूबी निभाया गया है फिर देखो इंडिया में इतनी तरह की बोली है हिंदी भी देखो हम लोग कई तरह से बोलते हैं एक हम लोग नॉर्मल ऐसे बोलते हैं फिर आप गांव में जाओ वहां बोलते हैं एक कहावत है ना कोस कोस पे बदले पानी चार कोस पे पानी मतलब आप हर जगह जाएंगे आपको कुछ नया भाषा में मिलेगा कुछ नई बातें लोग बोलेंगे तो उस तरह से भाषा का भी असर बहुत होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो मंदिर हैं मस्जिद हैं गुरुद्वारे हैं इन सब का अपना एक आर्किटेक्चर साउथ इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो बहुत उन, उनका खूबसूरती से गेट बनाया गया है सब जैसे बड़ा सा मंडप है और ये बिल्डिंग्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के हैं जैसे सांची स्तूप एंशंट इंडिया का है अजंता एलोरा एशियट इंडिया का है देन द मुगल्स केम द वी आर दर द डेली सल्तनत कुतुब मीनार है लाल किला है ये सब फ्यूजन आर्किटेक्चर है इंडो इस्लामिक फ्यूजन फ्यूजन आर्किटेक्चर मतलब उन्होंने कुछ इंडियन चीजें ली और कुछ वो जो सेंट्रल एशिया से लाए थे वो उन्होंने अब उसमें डाला फिर कांचीपुरम महाबलीपुरम में रॉक कट टेंपल्स हैं। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काट के तराश के लोगों ने टेम्पल बनाया है तो ऑल दीज थिंग्स मेक इंडिया अ ग्रेट कंट्री जैसे हमारे पुराने पुराने जो है अब में आप अकबर का किला देख लीजिए वो अकबर का बनाया हुआ है फिर आप थोड़ा बनारस जाएंगे वहां आपको सारनाथ दिखेगा सारनाथ में आप जाइए फिर इधर आप श्रृंगेरपुर में जाएंगे वहां आपको सबसे पुराना एक्वाडक्ट मिलेगा दुनिया का पहला जिसको बोलते हैं पानी जमा करने की जगह थी जो बहुत थर्ड बीसी में बनी थी तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्री को यूनिक बनाती हैं दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब हम सब अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं एक हमारी कॉमन बॉन्डिंग है हमारी कॉमन बॉन्डिंग है कि हम इंडियंस Hai. Is that clear? This much is for the day. Thank you.